ये जो परंपरा है, एक न्यू आप कह सकते हैं मॉडर्न टाइम्स का जो एक आदत है कि जैसे कुछ फास्ट फूड लिया, पिज्जा लिया, बर्गर लिया, तो उसके साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो ली जाती है, इसका तो बहुत नुकसान है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अगर आप देखें, स्पेशली जो काले रंग की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और 40 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। 40 ग्राम्स ऑफ शुगर मतलब ऑलमोस्ट जाके आपके 3.5 बड़े चम्मच चीनी के एक कोल्ड ड्रिंक में होते हैं, 300 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक में। साथ में उसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो जो काला रंग है वो स्टिमुलेंट्स की वजह से भी आता है, जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, और उसका जो एसिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है हर कोल्ड ड्रिंक की। जो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक से जो लोग लो पीते हैं, तो एक वाइब्रेशन सी या एक तरह का एक फ्लेवर सा कुछ आता है, वो उसकी एसिडिक कंटेंट की वजह से आता है, और ये एसिडिक कंटेंट आपकी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही खराब होता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे छोटे बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, वो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये उनकी बोन्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये बोन्स की जो कैल्शियम है उसको ख़त्म कर देता है। और साथ में एक पिज्ज़ा खाएं या बर्गर खाएं, बेसिकली उसमें एक तो मैदा बहुत होता है, साथ में एक और जो प्रॉब्लम है, जो पिज्ज़ा बेसिस या बर्गर के जो बंस होते हैं, वो कई केमिकल्स से उसको सॉफ्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो रोटी है या जो आटा है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, बट आप देखेंगे बर्गर हार्ड नहीं होता, पिज्ज़ा उस तरह का हार्ड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो ये केमिकल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। तो अगर आपको खाना भी है तो फ्रेश खाइए, बिना केमिकल के खाना खाइए, एंड डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। अगर आपको कुछ मीठा भी पीना है तो जो एक नेचुरल बेवरेजेस हैं, फ्रूट जूस है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ठंडाई है या कोई और बेवरेज है, उसको नेचुरल फॉर्म में लीजिए।